अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो ये भी टाइम हो चुका है 12 बजे का। तो चूज़ों को आके फीड मैंने डाल दी थी, मुर्गों की खुराक रात ख़त्म हो गई थी, तो उस वजह से मैं फिर इनकी खुराक जाके दोबारा अभी लेके आया हूँ, ला के फिर मैंने इनको डाली है। और दूसरा कल का भी लोग जो नहीं आया उसकी वजह से जी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी मुझे खांसी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से व्लॉग बनाते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अभी ज़रा मैं जा रहा था बाहर, आपी की तरफ जाना था, तो पर उसकी तैयारी वगैरह कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, फिर बाकी उधर जाना है, उधर टाइम वगैरह कुछ लग जाना है, फिर बाकी व्लॉग आगे करेंगे। तो ऊपर आके इनको इनको और इन सब को खुराक वगैरह मैंने पूरी कर दी है, जो नीचे वाले थे उनको भी पूरी कर दी है। दूसरा मैं लेके आया था कल एक नई ग्रिट, वो है जी ये वाली। पहले जो ग्रिट में लेके आया हुआ था वो बिल्कुल ही आया था कि पाउडर था, तो मैंने फिर किया क्या है कि जो मैं नई ग्रिट लेके आया हूँ वो ला के मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी। वो मैंने कहा कि चलो पिछली भी यूज़ हो जाएगी और अगली भी, क्योंकि अगली जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टोन्स में थी और जो पिछली थी वो बहुत ज़्यादा पाउडर में थी, तो मैंने कहा चलो दोनों एडजस्ट हो जाएंगे आपस में मिक्स हो के, तो पैरेट जो है वो अपनी मर्जी से जिससे भी उन्होंने यूज़ करनी होगी कर लेंगे उसको। ऊपर आया था मैं अपनी जैकेट वगैरह लेने के लिए, तैयारी शैरी कर रहा था, मैंने कहा चलो ऊपर जाकर अपनी जैकेट उठा लेता हूँ, तो ये भी मैं अपनी जैकेट लेके जा रहा हूँ नीचे, तो फिर नीचे जाऊँगा जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर को। तो अभी मिलते हैं कपड़े चेंज करने के बाद। शैरी अपनी हो गई है, कपड़े वगैरह अभी पहन लिए हैं, तो बस अभी बाहर निकलने का वेट है। तो एक तो खांसी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है मुझे, तो अभी मैं दिखाता हूँ ड्रेसिंग कि मैंने क्या की हुई है। काकी ये तूने तोड़ा हुआ है ना, यहाँ से याद है ना, मुझे भी टाइम हो चुका है 10 बजे का। तो मैं आ गया था तकरीबन वहाँ से 5 बजे आ गया था, आके मैं चला गया था बाहर, बाहर में गया था जी यहाँ पे लाइट को गिर गया, लेकिन वहाँ पे जाके गया था कि मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सका, तो उसके साथ गया था, सोचा था कि जाके वहाँ पे बनाएंगे वीडियो, लेकिन बस किस वजह से बना नहीं सके, टाइम नहीं लगा। एक तो ज़रा जल्दी थी, ऊपर से यह था कि वहाँ पर रश वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो मैं ज़्यादा देर वहाँ पर रुका ही नहीं, वहाँ से निकले, निकल के दोस्त का भाई है उसका मोबाइलों की शॉप है वहाँ पे आके हम बैठ गए, डीट रूम जाके बैठ गए, उधर से अब मैं वापस आया था, तो मैं कहा चलो ऊपर जाते हैं जाके अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो बाकी अभी इनको मैंने बंद किया हुआ है, इनको मैं खोल के चला गया था जब मैं गया हूँ लालपुर गरड़िया, तब मैं इनको खोल के गया था, तो तो उस वक्त मैंने इनको खोल दिया था, खोल के फिर मैं चला गया था, तो अभी आया हूँ आके मैंने इनको बंद किया, इनको मैं जाता हुआ बंद कर गया था, इनको मैंने पहले खोला था, ये तकरीबन 2-3 घंटे फिरती रही हैं, उसके बाद ये भी तकरीबन 5-6 घंटे फिरते रहे हैं। तो बाकी ये है कि जो ये अपना ग्रीन फिशर का मेल है ये मैंने सेल कर दिया था, क्योंकि मुझे चाहिए था ब्लू कोबाल्ट का मेल, तो कल को एक भाई है उन्होंने आना है लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं इसको सेल करके ब्लू कोबाल्ट में ले लेता हूँ, इसको पता नहीं क्या मसला है क्यों इतना बोल रहा है। बाकी जी ये है कि अब जो ये वाला अपना पेयर है ये मेरा ख्याल है कि ब्रीड पे आने के लिए दोबारा से तैयार है, तो देखते हैं अब क्या बनता है। वैसे तो अब टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया, अब इतना इशू नहीं है, अब अगर ब्रीड आएगी भी तो वो मेरा नहीं ख्याल के ज़ाया होगी, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। बाकी जी ये एक चूज़ा भी बाहर फिर रहा है, क्योंकि ये मेरे काबू नहीं था आ रहा, तो अभी मैं इसको एक बार बंद करता हूँ। काबू मेरे वो इसलिए नहीं था आ रहा कि मुझे ज़रा कपड़ों की टेंशन थी, मैंने कहा यार ये ज़रा गंदे हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे जो जैकेट्स वगैरह उनको मैं ऊपर पहन के आता हूँ मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं होती, वो मैं डेली के लिए यूज़ करता हूँ, ये जो जैकेट्स हैं ये मैं डेली यूज़ नहीं करता हूँ, उस वजह से मुझे ये टेंशन है कि इसको मट्टी वगैरह लग जाएगी गंदी हो जाएगी। बाकी जो जूता मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि वो जूता था बिल्कुल वाइट, तो मैं वो नहीं था चाहता कि मैं उसको पहन के ऊपर आऊँ, क्योंकि वो ऊपर आता तो उसका यही कलर हो जाना था,
क्योंकि वो फिर गंदा हो जाना था और उसको साफ़ करना भी बड़ा मुश्किल होना था, क्योंकि उसको अगर वॉश भी करें कुछ भी करें लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं होती जो कि एक नेचर में या फिर जो उसकी ओरिजिनल चीज़ होती है वो भी वॉश करने से दोबारा नहीं आ सकती है। तो अभी इनको तो मैंने वाइटामिन वाला पानी डाला हुआ है, सबको ही तकरीबन मैंने वाइटामिन वाला पानी डाला हुआ है, बाकी ग्रिट वगैरह जो है वो भी मैं इनको अब डेली दे रहा हूँ। मैंने आज इनको मुर्गियों को भी ग्रिट डाल के दी थी, बाकी ये कि हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो दोबारा अंडों पर आ चुकी हैं, दोबारा से अंडे देना शुरू हो गई है। बस यही वजह थी जो मुझे लग रही थी कि उनकी जगह चेंज हुई थी जिस वजह से ऐसा था। मैंने उनको फीड ला के नहीं डाली, उन्होंने एक अंडा, एक ने मुझे परसों अंडा दिया था, एक ने मुझे आज सुबह जब मैं आया उस वक्त अंडा दिया हुआ था, तो उससे यही पता लगता है कि ये अब दोबारा अपनी जगह पर आ गई हैं, अंडे वगैरह देने शुरू कर देंगे। लेकिन वजह ये एक बनी है कि इसके अंदर मैंने रखी हुई है जो एक टोकरी, आगे तो यहाँ पे आके दोनों अंडे देने शुरू हो गई थी, लेकिन आज एक जो अंडा था, यानी कि जो कल अंडा आया वो टोकरी में था और जो आज आया है वो इधर कॉर्नर में पड़ा हुआ था, मतलब कि वो एक जगह पे अंडे नहीं दे रही हैं। लेकिन ये कि चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता दोनों सेट हो जाएंगी, एक ही जगह पर अंडा देना शुरू कर देंगे। अगर नहीं देंगी तो फिर ये है कि एक टोकरी और लाएंगे ला के फिर उसको रखेंगे, क्योंकि अभी मैंने टोकरी लाया था उसके अंदर मैंने मिट्टी ही डाल के रखी हुई है, लेकिन मैंने उसके अंदर डालना है बुरा वो, बस एक टाइम वजह थी, कुछ टाइम नहीं था लग रहा मुझे, तो तकरीबन वेडनेसडे तक ये काम भी मैं अपना कंप्लीट करूँगा, इसके अंदर अपनी प्रॉपर चीज़ें रखूँगा। बाकी जो अपने ये हैं चूज़े, इनको तो मैं रात को सिर्फ पानी वगैरह डालता होता हूँ इनका, क्योंकि सिर्फ इनको मैं दो टाइम खाना देता हूँ और दो टाइम ही मैं देता हूँ इनको मुर्गियों को, लेकिन ये है कि एक टाइम में ही मैं इनको काफ़ी ज़्यादा दे देता हूँ, जिससे ये हो रहा है कि इनका थोड़ा टाइम गुजर सकता है। अगर हम इनको ज़्यादा बार देना शुरू करेंगे जितना हम पेरेंट्स को देते हैं, तो उसके साथ ये एक तो बीमार भी होती है, दूसरा फिर इनकी रूटीन चेंज होती है जो कि हमने चेंज नहीं करनी है। बाकी जी ये है कि जी ये था हमारा आज का ब्लॉग, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।